लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम सारा भाई वर्सेज सारा भाई सीजन 1 एपिसोड 25 इंटरनेशनल फैमिली वीक. फर्स्ट वर्ड इज मार्गरीटा, अ कॉकटेल मेड विथ टकीला एंड सिट्रस फ्रूट जूस. सिट्रस फ्रूट जूसेस के एग्जांपल हैं लेमन मतलब नींबू, ऑरेंज ओके मतलब संतरा या और मौसम्बी. ओके तो ये सिट्रस फ्रूट जूस के एग्जांपल है. टकीला और सिट्रस फ्रूट जूस को मिला के जो कॉकटेल बनता है, मिक्सचर बनता है, उसको बोलते हैं मार्गरीटा. सेकेंड इज इट फिगर्स, यू आर नॉट सरप्राइज बाय समथिंग अनप्लेजेंट दैट हैज़ हैपेंड. मतलब कुछ बुरा हुआ है और इससे हमको आश्चर्य नहीं हुआ है, तब हम ये फ्रेज यूज़ करेंगे इट फिगर्स. थर्ड इज सोशल, एन एक्टिविटी इन विच पीपल मीट फॉर प्लेजर. जब लोग खुशी के लिए मिलते हैं जब, हाँ, तो उसको बोलते हैं सोशल. फोर्थ इज आई गेट अ पॉइंट, आई गेट द पॉइंट का मतलब टू अंडरस्टैंड, मतलब मैं समझ गया हूँ या मैं समझ गई हूँ. फिफ्थ इज टैबू, इट इज़ अ नाउन और एन एडजेक्टिव, अ सब्जेक्ट वर्ड और एक्शन दैट इज़ अवॉइडेड फॉर रिलीजियस और सोशल रीजन्स. मतलब धार्मिक या सोशल रीजन्स के लिए कोई सब्जेक्ट वर्ड या एक्शन अवॉइड किया जाता है, जब अवॉइड किया जाता है तो उसको बोलते हैं टैबू. सिक्स्थ इज सेडिज्म, प्लेजर फेल्ट फ्रॉम हर्टिंग और ह्यूमिलिएटिंग अदर पीपल. मतलब सामने वाले को दुख देके या तकलीफ देके या बेइज्जत करके जो खुशी मिलती है उसको बोलते हैं सेडिज्म. सेडिस्टिक इज एन एडजेक्टिव. थैंक यू.